स्ट्रेट लाइंस क्लास 11th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1 में आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिक्स्थ प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पे सिक्स्थ प्रॉब्लम है, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स 4.4, 3.5 एंड -1, -1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं, सपोज ए बी और सी हम मान लेते हैं इनको, एक है 4.4, दूसरा है 3.5, तीसरा है -1, -1। हमको पाइथागोरस थ्योरम यूज किए बिना इसको दिखाना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मींस एक एंगल क्या होना चाहिए, यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये हम स्लोप निकाल के लाइंस की प्रूव कर सकते हैं। सपोज दो पॉइंट्स हैं x1, y1 एंड x2, y2, ये किसी लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इसका स्लोप हमको पता है, हम निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो ऐसा हम यहाँ पे भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइन ए बी चूज करते हैं, इसका स्लोप अगर हम देखें, इसका स्लोप सपोज m1 है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इन दो पॉइंट्स को हम देखेंगे ए और बी को, तो यहाँ पे y2 - y1, y2 5, y1 4, यानी कि 5 - 4 डिवाइडेड बाई x2 - x1, x2 3, x1 4, यानी कि हो गया 3 - 4, तो ये आपका आ जाएगा 1 - 1। तो इसका स्लोप कितना आ गया, इसका -1 आ गया। अब देखिए इसी तरीके से हम BC लाइन देखते हैं, BC लाइन का सपोज इसका स्लोप m1 है, इसका सपोज स्लोप M2 मान रहे हैं, तो M2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे x2 y2 ये पॉइंट ले लेंगे, x1 y1 ये ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा y2 - y1 means -1 - 4। तो -1 - 4 डिवाइडेड बाई x2 - x1, -1 ये पॉइंट, x2 ये x1, -4, तो इसका स्लोप क्या आ गया, इसका स्लोप 1 आ गया। अब देखिए दो लाइंस के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या होती है, 90 डिग्री एंगल कब बनाती है, जबकि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो, -1। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली m1 -1 है, m2 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 - m2 = -1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब लाइन ए बी और बी सी आपस में परपेंडिकुलर है, मीन्स ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ जो ट्रायंगल बी ए सी है ये ए पर राइट एंगल है, 90 डिग्री एंगल ए पर बन रहा है। अब देखिए सेवेंथ प्रॉब्लम देखते हैं, सेवेंथ प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन का स्लोप निकालना है विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। जो वाई एक्सिस है इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इससे 30 डिग्री का एंगल लाइन बना रही है। मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मींस इस डायरेक्शन में अगर हम मेजर करें तो ये कितना एंगल है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, इससे एंगल जो लाइन बना रही है वो एंटी क्लॉकवाइज में 30 डिग्री बना रही है, यानी कि ये जो एंगल है ये दिया हुआ है 30 डिग्री। अब देखिए इसका स्लोप बताना है, स्लोप क्या होता है, m = tan θ। यहाँ पे जो थीटा एंगल है वो लाइन का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ एंगल है, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या है, ये वाली एंगल जो है थीटा की है, जो हम स्लोप के फॉर्मूले में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर हम देखें, ये एंगल अगर देखें, ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 + 30, यानी कि ये हो जाएगी 120 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप tan 120 डिग्री हो जाएगा। इसको हम निकाल लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं tan 180 - 60, यानी कि ये हो गया आपका -tan 60, यानी कि ये स्लोप कितना हो गया, -√3 हो गया इसका।